हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी डे जीरो से लेकर 9 मंथ्स तक, जब उनका बेस्ट ऑफ द रिजल्ट आया। तो यानी कि अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। माय सेल्फ डॉक्टर अंबिका, मैं दिल्ली में पीतमपुरा में पिछले 12 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। नाउ सी, लुक एट दिस पेशेंट, इनके जो स्टाइक में टेम्पोरल ट्राइंगल्स हैं वहां पर जो है वो बाल जो है चले गए हैं। नाउ यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनके बाल वापस आ जाएं। तो सबसे पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट करें कि पीआरपी करें? पीआरपी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, जो इनके ट्राइंगल्स है वहाँ पे हेयर रूट मर चुकी है। जहाँ पे हेयर रूट मर चुकी है वहाँ पे पीआरपी एंड मेडिसिन काम नहीं करेंगी। वहाँ पे नया बाल को इम्प्लांट करके हेयर ट्रांसप्लांट से ही बाल लाया जा सकता है। जो इनके एग्जिस्टिंग बाल है वो मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो ट्राइंगल्स है वहाँ बाल जा चुके हैं वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन बिकॉज हेयर रूट इज डेड। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना क्यों चाहते हैं? बिकॉज ही इज अ यंग गाय, इज मैरिजेबल एज, एंड जैसे आपकी हेयर लाइन पीछे जाती है यू स्टार्ट लुकिंग मेच्योर कम्पेयर टू योर एज। So that's why he wanted to get it done. Now, अब इनका ये हमने देखे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट देते हैं, आप किसी भी पैथोलॉजी लैब से करा लीजिए, दैट मींस यू आर फिट फॉर सर्जरी। आपको कोई एलर्जी नहीं है किसी मेडिसिन से, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, यू आर फिट फॉर सर्जरी। सर्जरी में इनके हमने कितने ग्राफ्ट लगाए अराउंड दोनों साइड टेम्पोरल एरिया में? अराउंड 1500 हमने ग्राफ्ट लगाए हैं इनके। ग्राफ्ट मतलब कि एक रूट है और एक रूट के अंदर 2 से 3 बाल होते हैं। हमने ग्राफ्ट को काउंट करा, दिस इज वन ग्राफ्ट। तो 1500 हमने ग्राफ्ट लगाए हैं इनके, विच अमाउंट्स टू अराउंड 4000-5000 हेयर, राइट। करने में हमें एक दिन लगा, 6 to 7 hours लगे इनको करने में। हमने लोकल एनेस्थीसिया में दिया जाकि इनको दर्द ना हो। थ्रू आउट सर्जरी हमसे बात कर रहे थे, इमीडिएटली खुद ये घर उसी दिन जा सकते हैं। नाउ अब ये देख सकते हैं, ये इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी इनके हमने ये ग्राफ्ट लगा दिए हैं। ये इनका डोनर एरिया था जो बहुत ही थिक अच्छे बाल थे, और ये डोनर एरिया है अराउंड 1500 ग्राफ्ट्स निकालने के बाद। यहाँ पे आपके आराम से बाल आ जाएंगे, इट विल लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल आफ्टर अ मंथ। ये जो है इनके इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी है, एंड नाउ सी आफ्टर 5 to 7 days व्हेन ही केम फॉर द रेगुलर चेकअप, इनके जितने भी ये ग्राफ्ट्स थे ये बिल्कुल काले क्रस्ट बनके सूख कर धीरे धीरे गिर जाएंगे। 10 to 15 days के अंदर ये गिर जाएंगे सारे। ड्यूरिंग दिस टाइम आप कैप पहनकर ऑफिस जा सकते हैं, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। 15 days के बाद ये सारे आपके जो क्रस्ट हैं, ये ग्राफ्ट हैं, उतर जाएंगे, लेकिन जो हेयर रूट है वो स्किन के अंदर रह गया। और सी आफ्टर 3 months इनके बाल आने शुरू हो गए हैं। डेंसिटी कंप्लीट नहीं है पर बाल आने शुरू हो गए आफ्टर 3 months, एंड लुक एट द रिजल्ट्स आफ्टर 6 to 8 months। अब इनकी कंप्लीट डेंसिटी आ गई, यू कैन नॉट इवन मेक आउट कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। सो इट्स अ वेरी नेचुरल रिजल्ट, इट्स अ वेरी हाई डेंसिटी रिजल्ट, इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, और ये इनका फाइनल रिजल्ट है। नाउ अब ये जो इनके बाल आ गए हैं इनको रेगुलरली वही ग्रो करेंगे। आप कटिंग कराओ, शैम्पू करो, कलरिंग करो, स्टाइलिंग करो, दिस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल हेयर। But he has a big challenge. जो इनके existing बाल हैं, उनको इन्हें male hormone की attack से रोकना होगा। और वो कैसे करेंगे? Existing बालों को हर रोज रात को minoxidil लगाएंगे and oral finasteride या dutasteride खाएंगे, जिससे कि existing बालों को male hormone attack ना कर पाए और existing बाल और पीछे ना जाए। जो ये बाल transplanted बाल हैं, ये इनके रहेंगे lifelong, that is not an issue. बट एग्जिस्टिंग बालों को बचाने के लिए इनको करना पड़ेगा, बिकॉज वेरी यंग और इनके सिर्फ इतने टेम्पोरल रीजन के अंदर था हेयर लॉस था। सो आई होप नाउ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी व्हाट हेयर ट्रांसप्लांट इज एंड होम यू शुड गो टू सी द when you choose a clinic, when you choose a hair transplant surgeon, make sure that they have the before after done at their clinic by the surgeon to show you how your journey is going to be. So I'm discussing this case. I'll discuss more hair transplant journeys in the coming YouTube videos. Stay tuned, stay happy. Myself, Dr. Anbika, main Delhi mein pichle 12 years se practice kar rahi hoon. You can visit my website dranbika.com where you can buy da skin and hair products formulated by me, right ingredient, right percentage, that's why the right results. You can visit my Instagram page dr.anbika. You will get lots of information on skin and hair. In case you are a skin and hair junkie like me, stay happy, stay beautiful. We'll meet you in the next video.